नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप लेकर आया हूं। एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसको सीख लिया तो फिर आपको और किसी भी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप है, जिसकी मदद से आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में बहुत अच्छी ट्रेड ढूंढ पाएंगे। और इसके साथ ही हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ अपस्टॉक या चॉइस ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना होगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हम हमारे प्रीमियम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, जहाँ पर आपको ट्रेड प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए सेटअप पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं किस तरह से हम इस स्विंग ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हमारे ट्रेडिंग सेटअप को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू के सेटअप का यूज़ करेंगे। ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है निफ्टी 50 का 1 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट। अब इस सेटअप को यूज़ कैसे करते हैं हम वो बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें तीन इंडिकेटरों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तीन इंडिकेटर कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा RSI, उसके साथ हम यूज़ करते हैं MACD, और तीसरा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इचीमोकू किंको हायो क्लाउड। इन तीन इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं। इन तीनों इंडिकेटर्स की मदद से आप बेहतरीन ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो, सेटअप यही रहेगा। इनके मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले लेकर के जो आपका इचीमोकु क्लाउड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसमें कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, स्पान ए स्पान बी और लीडिंग लाइन और लीडिंग लाइन होती है। तो जिनका ये टाइम पीरियड है, कन्वर्जन लाइन 9 पीरियड की होती है, बेस लाइन आपकी 26 पीरियड की होती है, और स्पान ए और बी 52 पीरियड की, और लेगिंग जो लाइन होती है वो 26 पीरियड बैक साइड में होती है। अब यहाँ पर होती क्या है, स्पान ए स्पान बी क्या होती हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो ये हरे कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये स्पान ए कहलाती है, और लाल कलर की लाइन होती है स्पान बी। कन्वर्जन लाइन होती है आपकी ये जो ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कन्वर्जन लाइन, और रेड कलर की लाइन होती है बेस लाइन, और लेगिंग लाइन होती है या लेगिंग स्पान जिसे कहते हैं, ये जो पीछे येलो कलर की लाइन है ये लेगिंग स्पान कहलाती है। इन सब के कॉम्बिनेशन से इचीमोकू क्लाउड बनता है। यहाँ पर जो ये बेस लाइन है, ये आपका 9 पीरियड का मूविंग एवरेज का एवरेज होती है, 9 कैंडल्स के मूविंग एवरेज का एवरेज। जो बेस लाइन होती है, ये 26 कैंडल का मूविंग एवरेज होती है पीछे जो बनी है। स्पान ए जो होती है आपकी, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का जो मीडियन पॉइंट होता है वो होता है आपका स्पान ए। स्पान बी होती है आपका 52 कैंडल्स के हाई और लो का एवरेज, और जो आपकी लेगिंग स्पान होती है ये भी आपका 26 पीरियड जो करंट प्राइस है उसका 26 कैंडल पीछे रिप्रेजेंटेशन होता है। बस जो ये प्राइस यहाँ पर है इसका 26 कैंडल पीछे आपका रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ये होता है आपका इचीमोकू क्लाउड। अब क्लाउड की साइकोलॉजी क्या है, क्लाउड की साइकोलॉजी भी हम आपको बता देते हैं। क्लाउड की साइकोलॉजी होती है कि यदि बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन क्रॉस करे एक दूसरे को ऊपर की तरफ, बेस कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को क्रॉस करे ऊपर की तरफ, ये वाला एरिया, तो एक
बाई सिग्नल जनरेट होता है। क्लियर, बाई सिग्नल जनरेट होगा जब भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी, और यदि क्लाउड में स्पान ए और स्पान बी का क्रॉसओवर होता है ऊपर की तरफ और पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के साथ साथ ग्रीन क्लाउड बनता है तो भी एक बाई सिग्नल जनरेट होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये तो हो गई बाई सिग्नल की बात। अब एक पॉजिटिव बाई सिग्नल, एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कब जनरेट होता है क्लाउड में? क्लाउड में स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल जनरेट होता है जबकि क्लाउड आपका ग्रीन हो आगे, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और जो आपकी लेगिंग स्पान है ये भी प्राइस को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल गई है और करंट प्राइस से दूर है, तो यहाँ पर एक अच्छा बाई सिग्नल जनरेट होता है, स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल। यहाँ पर देख लीजिए लेगिंग स्पान आपकी ऊपर है ना, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ पर क्लाउड ग्रीन है, ये एक परफेक्ट सिनेरियो है बाई करने के लिए। और जब आप यहाँ पर बाई करेंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ी चाल मिलेगी जिसे आप देख सकते हैं। तो ये तो बाई सेटअप। अब सेल सेटअप कब जनरेट होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। सेल सेटअप के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि निफ्टी में अभी काफ़ी तेजी रही है, इसको डेली टाइम फ्रेम पर हम करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी काफ़ी टाइम से बुलिश मोमेंटम में है। अब यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट सेल सेटअप है फॉर क्लाउड्स। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए प्राइस आपका क्लाउड के नीचे आ चुका है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का नेगेटिव क्रॉसओवर यहां पर हो चुका है और लेगिंग स्पान ने क्लाउड को तोड़कर नीचे की तरफ आ गई है और करंट प्राइस से दूर है, और ये आपका डेली टाइम फ्रेम पर है। अगर यहां पर आपने क्लाउड सेटअप के हिसाब से इसको पकड़ लिया होता तो आप कोरोना की पूरी मंदी को कैप्चर कर सकते थे। तो ये इतना बेहतरीन और पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप है इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर। ये हमारे सेटअप का एक इंडिकेटर है, लेकिन ये एक अकेला इंडिकेटर भी पूरे ट्रेडिंग सेटअप के बराबर है। लेकिन इसमें भी फंस जाते हैं, गलत डिसीजन हम ले लेते हैं और उनकी मदद, उनके कारण हम फिर निकल नहीं पाते कभी भी, क्योंकि सेटअप तो आपको इंडिकेटर तो सही देगा लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते। इसमें एक बात और बता दूं, यदि प्राइस अप ट्रेंड में है तो हमेशा क्लाउड के ऊपर कैंडल बनेगी, यदि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो क्लाउड के नीचे कैंडल बनेगी, और यदि कैंडल क्लाउड के ऊपर नीचे बन रही है मतलब चौपी मार्केट है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। इसमें ऊपर के और नीचे के दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिलेंगे, एक रेंज बाउंड मार्केट। यदि प्राइस कंटिन्यूस क्लाउड के ऊपर है तो फिर वो हमें ऊपर ही जाएगा, और क्लाउड के नीचे है तो नीचे ही आएगा। ये इस ट्रेडिंग सेटअप की साइकोलॉजी है। अब इसके साथ हम RSI और MACD का कॉम्बिनेशन भी जोड़ देते हैं। RSI का तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरह से होता है। RSI बेसिकली 14 पीरियड का मूविंग एवरेज होती है, लास्ट पिछली 14 कैंडल। अब आपने उसको टाइम फ्रेम कौन सा लिया है, हावर ले लिया है, डेली लिया है तो पिछले 14 दिन, हावर ले लिया है तो पिछले 14 घंटे, है ना, उन कैंडल्स का ये प्राइस मोमेंटम बताती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है पिछले 14 कैंडलों के हिसाब से या प्राइस नीचे आ रहा है। तो फॉर द डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं
डेली टाइम पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है जो कि प्राइस में एक दबाव दिखा रहा है कि प्राइस लोअर हाई बना रहा है और नीचे उतर रहा है। तो RSI का जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें बेसिकली ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन फाइंड करने के लिए करते हैं कि कहाँ पर ओवरसोल्ड है और कहाँ पर ओवरबॉट। RSI 70 के ऊपर हम ओवरबॉट मानते हैं और 30 के नीचे या 30 के पास ओवर सोल्ड। वहाँ पर हम 30 के पास यदि RSI है तो बाई करने का सोचते हैं, वो ट्रेड ढूंढते हैं जो बाई के लिए हो, और 70 के ऊपर हम सेल ट्रेड ढूंढते हैं, और 90% या यूँ कहें 100% वो एक्यूरेट होती है। RSI का बस यही काम होता है। इसके अलावा MACD भी आपको मोमेंटम दिखाता है, प्राइस का मोमेंटम। MACD की दो लाइन होती है, एक 9 पीरियड की EMA होती है, एक 26 पीरियड की EMA होती है। 9 और 12 पीरियड की EMA होती है, इसमें एक आपकी सिग्नल लाइन होती है और एक MACD लाइन होती है। सिग्नल लाइन और MACD लाइन के क्रॉस ओवर पर हम ट्रेड लेते हैं। जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर होता है तो वो पॉजिटिव क्रॉस ओवर कहा जाता है, और जीरो लाइन के नीचे का क्रॉस ओवर नेगेटिव क्रॉस ओवर कहा जाता है। अब इसमें जो प्रिडिक्शन किया जाता है, ये बेसिकली दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच कितनी दूरी है वो आपको ये हिस्टोग्राम दिखाते हैं। दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच कितनी दूरी है वो चीज़ ये हिस्टोग्राम आपको दिखाते हैं, और इनकी मदद से भी आप MACD की मदद से भी प्राइस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन केवल एक इंडिकेटर बेस्ड आप जब रहते हैं तो आपके पास गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इन तीनों इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप एक बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, और वो हम आपको अभी दिखाने वाले कैसे ले सकते हैं। देखिए, अभी जब निफ्टी आपका 23 तारीख को था, उसका लेवल था आपका 16,400। यहाँ पर एक परफेक्ट बाई सिग्नल इचिमुकु क्लाउड के हिसाब से आपका बना हुआ है, क्योंकि प्राइस क्लाउड के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है, और बकायदा कैंडल भी कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है, और लेगिंग स्पान भी आपकी ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मार्केट काफ़ी चल चुका था, पिछले रनअप के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट काफ़ी चल चुका था। यहाँ पे आप ट्रेड लेने में डरेंगे कि कहीं मार्केट नीचे ना जाए, लेकिन ये ट्रेडिंग सेटअप आपको दिखा रहा है कि प्राइस भी क्लाउड के ऊपर है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट शॉर्ट बाय है। साथ में आप अगर RSI को भी जोड़ दें तो इस दिन आपकी RSI आप देख सकते हैं, RSI 70 के लगभग थी, मतलब यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में थी, लेकिन MACD आपको बाई सिग्नल दे रहा था, साथ में क्रॉस ओवर हुआ था, सिग्नल लाइन ने MACD लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई, तो यहाँ पर एक बाई सिग्नल हमारे दो इंडिकेटर में जनरेट हुआ था, और क्लाउड हमारा परफेक्टली बुलिश है, तो यहाँ पर एक आप बाय ट्रेड लेते तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट इंडेक्स में होता, और इंडेक्स का प्रॉफिट ये आपकी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। 16,400 से मार्केट आपका आज मार्केट खड़ा है आपका 17,369। इंट्राडे में भी इसका आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से 3 मिनट का कैंडल। 3 मिनट पे आप MACD RSI का यूज़ करके बाय और सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसमें कैसे करना है, इसमें करना ये होता है कि जब RSI 30 के पास हो या 30 से नीचे हो, उस समय आपको बाय ट्रेड ढूंढना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखना है कि प्राइस मोमेंटम यदि अपसाइड में है तो आप बाय ट्रेड ले लें, और वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में ही करीब 10 से 15 मिनट में ही आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, और आप वहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। और ओवरसोल्ड है, RSI ओवरबॉट है, तो यहाँ पर आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको तुरंत ही एक अच्छा प्रॉफिट देके निकाल देगा। और भी हम इसको देखते हैं पीछे तक,
यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक परफेक्ट बाय ट्रेड बनता है। RSI काफ़ी टाइम तक ओवरसोल्ड रहा, ऊपर से और नीचे आया, प्राइस ऊपर से गिरा, और यहाँ पर आप यदि बाय ट्रेड इनिशिएट करते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपको बेहतरीन प्रॉफिट ये मिल जाता है, क्योंकि ओवरसोल्ड आपने पकड़ लिया, ओवरसोल्ड से आप पकड़ेंगे सीधा आपको प्राइस मूवमेंट करता है। प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है, प्राइस कैसे चलता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट अप एंड डाउन में चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो आपको ऊपर पकड़ना है और वहाँ से सेल कर देना है, और नीचे पकड़ना है तो नीचे से बाय करना है। ये बिल्कुल 3 मिनट का चार्ट है, स्कैल्पिंग आप इसके थ्रू बेहतरीन कर सकते हैं। 2 से 3 ट्रेड आपने पॉजिटिव डाल दिए, आपका इनका काम हो गया। यहाँ से आप सेल ट्रेड भी ले सकते हैं, प्राइस क्लाउड के नीचे, कन्वर्ज लाइन बेस लाइन के नीचे, लेगिंग स्पान नीचे, और यहाँ पर RSI देखें, RSI भी आपका 60 को टच करके नीचे की तरफ। जैसे ये आप सेटअप मिले, आप तुरंत एक ट्रेड डाल दें मंदी की, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखे जाएगी। तो ये हमारा सेटअप है, इसको आप 3 मिनट में लगाएंगे तो 3 मिनट में भी रिजल्ट देता है, 15 मिनट में लगाएंगे तो 15 मिनट में भी ये रिजल्ट देता है, इसको 1 घंटे में लगाओगे तो 1 घंटे में आपको पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग मिलेगी। 3 मिनट 15 मिनट ये आपके इंट्राडे हो गए, और 1 आवर 1 डे पोजिशनल ट्रेडिंग। 1 आवर की ट्रेडिंग आप बेसिकली 3 से 4 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 हफ्ता मान लें, और 1 दिन की ट्रेडिंग के लिए आप 1 से 2 वीक। कभी कभी ये होता है कि हम ओवरसोल्ड पे बाय कर लेते हैं और उसके बाद भी प्राइस नीचे चला जाता है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम इचिमोकु क्लाउड का यूज़ करते हैं। यदि इचिमोकु क्लाउड में प्राइस क्लाउड के नीचे है और ओवरसोल्ड RSI दिखा रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि प्राइस कुछ समय के लिए ओवर सोल्ड रहे, उसके बाद मोमेंटम दे। लेकिन यदि प्राइस अप ट्रेंड में है, क्लाउड के ऊपर है, और उस समय आपको ओवरसोल्ड मिल जाता है, तो वो बेस्ट पोजीशन है बाय करने के लिए। वहाँ पर आप बाय ट्रेड लें, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। मूवमेंट प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस यदि क्लाउड के ऊपर है, मतलब वो अपने प्रीवियस प्राइस से ऊपर है, मतलब वो अप ट्रेंड में है, वहाँ पर आपको तेज़ी की ट्रेड ढूंढनी है, और प्राइस क्लाउड के नीचे है, मतलब आपको सेल ट्रेड ढूंढनी है, क्योंकि प्राइस अपने प्रीवियस प्राइस से नीचे है, वहाँ गिरावट की संभावना ज़्यादा होगी। अब निफ्टी को हम मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। जब से कोरोना की गिरावट हुई है, ये चार्ट है हमारा निफ्टी का, हमने एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है उस मार्च की मंदी के बाद से, उस मंथली टाइम फ्रेम पर उस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है प्राइस ने अभी तक। बीच में गिरावट भी आई है हम देख सकते हैं, लेकिन प्राइस ने नहीं तोड़ा है मंथली टाइम फ्रेम पर, मतलब मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और एक सीढ़ी को चढ़ गया प्राइस। आप देख सकते हैं सीढ़ी बनी हुई है, बस इसको यदि वीकली टाइम फ्रेम पर आप लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। मार्केट में कुछ समय के लिए स्लोप बना था, एक ट्रेंगल बना था मार्केट में, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है अपसाइड में, मतलब मार्केट में अभी गिरावट का कोई संकेत नहीं है। गिरावट कब होगी, जब ये मंथली की टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होगी, और इसके ब्रेक होने का अभी कोई चांस अभी तो नहीं दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर देख लें आप इसको, डेली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस काफ़ी बुलिश है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का निफ्टी एक्सचेंज काफ़ी बुलिश है, लेकिन RSI अभी ओवरसोल्ड है 80, तो यहाँ से एक शार्प करेक्शन आपको अभी हो सकता है देखने को मिल जाए, और वो आपको हावरली टाइम फ्रेम पर साफ दिखाई देगा। या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा,
या एक शार्प फॉल भी हो सकता है, जो कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये प्राइस में नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रही है। तो ये हमारा निफ्टी का प्रिडिक्शन है। निफ्टी में लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मीडियम टर्म में छोटा मोटा करेक्शन पेंडिंग हो सकता है। तो चलिए स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक में आप किस तरह से बाय और सेल ढूंढेंगे इस सेटअप की मदद से। स्टॉक के लिए हम देख लेते कौन सा स्टॉक पसंद है, हम करते हैं सर्च। चलिए रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस, ये रिलायंस का चार्ट हमने लगाया है, ये 1 आवर का चार्ट है। सबसे पहले एनालिसिस कैसे करेंगे हम स्टॉक को, इसका ट्रेंड कैसे पकड़ेंगे। हमने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया, लेकिन 1 घंटे का चार्ट तो मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इसको मंथली पर देख लो। सबसे पहले मंथली पर क्या पोजिशन है इसकी, ये मंथली चार्ट है रिलायंस का, और बुलिश टू बुलिश। कोरोना की गिरावट के बाद मंथली में एक राउंडिंग बॉटम बना और ऊपर चला गया प्राइस। वीकली में देखते हैं, वीकली में प्राइस 80 RSI इसका ओवरसोल्ड को टच कर रहा है, और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। यहाँ से यदि प्राइस नीचे गिरता है तो फिर इसमें एक सेलिंग आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर हम देख लें, डेली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस इसका ओवरसोल्ड जोन में है और ओवरसोल्ड जोन से नीचे उतर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पर देखें, आवरली टाइम फ्रेम पर प्राइस में नेगेटिव मोमेंटम आ चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्ट होगा प्राइस और उसके बाद भागेगा। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं आवरली, मंथली टू आवरली टाइम फ्रेम पर। तो आपको इसको लंबा ट्रेंड भी आपको पता चल जाएगा कि बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा सा जो चल चुका है, रनअप जो आ चुका है, इसमें काफ़ी चला है स्टॉक। देखिए 2160 से आपका पॉजिटिव मोमेंटम में है, और इसने आपका 2480 टच कर दिया था। अब वहाँ से इतना तो करेक्ट या थोड़ा तो रुकेगा, उसके बाद इसमें आगे की अपसाइड बनेगी। रिलायंस के बाद बात कर लेते हैं हम, और अगला स्टॉक हम देखेंगे कौन सा है। रिलायंस का भी फेवरेट स्टॉक है मेरा। अब आइडिया भी देखिए, अब आइडिया 8.40 पे बंद हुआ है, अभी 6 रुपये था कुछ दिन पहले। भारतीय एयरटेल 686 पे है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारा एक फेवरेट स्टॉक है IRCTC की। IRCTC काफ़ी बुलिश है, अब देख सकते हैं 2600 से भागना शुरू किया इसने, तो सीधा 3292 पे जाके रुका है। 3350 का इसने हाई टच कर दिया था मंथली पे। इसको आप देखें मंथली पे तो कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको कहीं भी बाय करते हैं या आपको नुकसान नहीं देता, केवल एक रेड कैंडल जो बनी है इसे छोड़ के। वीकली पे चले जाएंगे, वीकली पे भी स्ट्रांग है, मोमेंटम आप ही तेज हो चुका है। यहाँ से अगर इसको 10 साल आपने रख लिया तो ये हो सकता है ये 5 डिजिट का स्टॉक हो जाए। डेली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी ओवरसोल्ड है, और यहाँ पर इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। लेना है तो कंसोलिडेशन के बाद, जो कि हावरली टाइम फ्रेम पर एक कंसोलिडेशन और एक गिरावट इसमें दिखाई दे रही है। करेक्शन के बाद जब इसमें अप ट्रेंड बनेगा वापस, तब इसको खरीदना है, क्योंकि अभी आप इसमें खरीद लेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ गिरावट भी इसमें दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में। अगला जो स्टॉक हम देखेंगे हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से,
देखते हैं केडिला हेल्थ केयर। ये केडिला का चार्ट है आपका, और केडिला में अभी काफ़ी गिरावट हो चुकी है। मंथली चार्ट इसका हमने लगाया सबसे पहले। केडिला 600 के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन विगत 2 महीने से केडिला में गिरावट हो रही है। ये आपको ये दिखा रहा है, और RSI आपका ओवरसोल्ड जोन से, ओवरबोर्ड जोन से नीचे आ रहा है। मंथली मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे करेक्शन चल रहा है इसमें। वीकली पे भी देखें आप, करेक्शन चल रहा है, लेकिन पिछले 2 वीक से इसमें के प्राइस में गिरावट रुकी है। और अब देख सकते हैं बेस लाइन पे इसने बिल्कुल सपोर्ट लिया है, वीकली टाइम फ्रेम पर बेस लाइन पे सपोर्ट लिया है। लेकिन इसका सेटअप मुझे कमज़ोर ही लग रहा है, हो सकता है इसमें आगे गिरावट और देखने को मिले। डेली टाइम फ्रेम पर इसने सपोर्ट लेकर यहाँ से एक अपसाइड दिखाई है, मतलब इसमें प्राइस में मोमेंटम आया है अपसाइड की तरफ, क्योंकि केडिला ने अभी बच्चों की जो वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, और उस वैक्सीन अप्रूवल के चलते हो सकता है केडिला 650 तक के लेवल आपको दिखा दी। चलिए अगले स्टॉक की तरफ चर्चा करते हैं। केडिला अच्छा स्टॉक है, खरीद के रखें, खरीदा हुआ है खरीद के रखें, वरना अब फ्रेश खरीदारी उसमें कर सकते हैं। प्राइस में अपसाइड का मोमेंटम आया है। गेल की बात कर लेते हैं। गेल इंडिया गैस सेक्टर की कंपनी है ये, और देखिए प्राइस हायर हाई बना रहा है हावरली टाइम फ्रेम पर। 140 से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको मंथली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर इसमें करेक्शन आया था, लेकिन देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है। कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है, क्लाउड भी पॉजिटिव बनने की तैयारी कर रहा है, और मोमेंटम ऊपर की तरफ है। RSI में, MACD में भी मोमेंटम ऊपर की तरफ है, जो कि एक बुलिश साइन है। वीकली में भी पॉजिटिव है, क्लाउड के ऊपर है। RSI में थोड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है नेगेटिव, जो कि चिंता का विषय हो सकता है यदि प्राइस अपसाइड में ना जाए तो। पर मेरे हिसाब से ये 160 से ऊपर के लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। 160 के लेवल तो दिखाई देगा ही, ऐसी उम्मीद इससे है। चलिए एक और स्टॉक हम देख लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रखी है या पढ़ रखा है, केवल मेरे जो इंडिकेटर है उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा, क्या हो सकता है। इचिमोकू क्लाउड जो है आपका एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। लाइव मार्केट में भी यदि आप उसको पकड़ें तो वो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब आपको लाइव मार्केट में पता करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि जब मार्केट बंद था उस समय आपने रिसर्च किया होगा, लाइन खींची होगी, तो वो लाइन तो स्टैटिक थी मार्केट बंद होने के बाद की, लेकिन अभी करंट में क्या है, तो वो आपको इचिमोकू क्लाउड बता देगा। करंट डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक तो क्लाउड इसका बेस्ट सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस भी होता है बड़े वाला, और छोटे टाइप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन होती हैं। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट हम देख रहे हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डायनामिक, कन्वर्जन लाइन पहला सपोर्ट, उसके बाद बेस लाइन दूसरा सपोर्ट, यदि ये दोनों तोड़ देते हैं तो फिर क्लाउड आ जाता है। क्लाउड उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से तो प्राइस अपसाइड की तरफ जाना ही चाहिए। अगर ये भी तोड़ देता है तो फिर क्लाउड में, फिर आपके स्टॉक में कोई ना कोई बड़ी समस्या है, फिर खतरे की घंटी बज जाती है अगर क्लाउड टूट जाता है तो। देखिए यहाँ पर अपसाइड की तरफ स्टॉक भागा, फिर कंसोलिडेट किया उसने, लेकिन क्लाउड को नहीं तोड़ा। कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को तो वो तोड़ता गया, उनमें तो उलझ गया, लेकिन क्लाउड को नहीं तोड़ा। क्लाउड से फिर अपसाइड बनी और वहाँ पर आप फिर क्लाउड के पास में जाके रुका हुआ है। और यहाँ पे आप देख लें, जब क्लाउड के पास था तो RSI आपकी 50 के आसपास घूम रही थी, वहाँ से फिर अपसाइड में RSI, जैसे ही RSI ने अपसाइड का मोमेंटम दिया,
क्लाउड के ऊपर निकल गया प्राइस। यहाँ से आप सेल ट्रेड चाहते तो आप एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन जब आपका इंडिकेटर ही नहीं बता रहे हैं आपको सेल ट्रेड, तब क्यों लेंगे? बाय ट्रेड इनिशिएट कीजिए, प्रॉफिट होगा आपको। चलिए एक स्टॉक और देख लेते हैं। सारा जो नॉलेज है इंडिकेटर बेस्ड है और ट्रेडिंग पूरी तरह से आपको पैसा दे के ही जाएगा। BSE पर चर्चा कर लेते हैं। BSE है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर। टाइम फ्रेम हावरली है हमारे पास और हमारा सेटअप तैयार है। अब यहाँ पर हम बाय करना चाहते हैं तो क्या करंट प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं? करंट प्राइस पे क्लाउड के ऊपर है प्राइस, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, लेकिन नेगेटिव मोमेंटम में है, तो ये बाय करने के लिए अभी सूटेबल नहीं है जब तक कि प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ ना आए। 1 आवर पे यदि RSI आप ओवरसोल्ड है, 30 के पास RSI है, तो आप यहाँ पर बाय करें। यहाँ पर आपको बाय करना है और यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, मतलब यहाँ पर आपको बाय करना था और यहाँ पर आपको सेल कर देना था इसको, जो अपने बाय की क्वांटिटी। अब जब ये वापस कूल ऑफ होके ओवरसोल्ड पे आके ऊपर जाएगा जब आपको बाय करना है, जब आपको 1200 पे मिले या 1150 पे मिले, यहीं से वापस घूम जाए, तो आपको वो ध्यान रखना है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ये जब RSI 30 के पास है और वहाँ से जब स्टॉक घूमता है तो काफ़ी तेज़ी से घूमता है वो ऊपर की तरफ। अभी BSE को हम ज़रा मंथली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। BSE का स्टॉक 2018 के पहले लिस्ट हुआ था और उसने 400 के नीचे लो बनाया है और 1241 1300 का हाई है इसका। अब यहाँ से ये मंथली पे तो ओवरसोल्ड हो चुका है, वीकली में भी ये ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है, लेकिन इसमें अभी एक करेक्शन आ गया था, ये करेक्शन के बाद वापस अपसाइड बनी है। अब देखिए इसी में को क्लाउड के हिसाब से परफेक्ट बाई जोन में है। ये क्लाउड के ऊपर है, बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, प्राइस कन्वर्जन लाइन के ऊपर है और लैगिंग स्पान आपकी जो है वो अपसाइड का मोमेंटम दिखा रही है, मतलब बाय छोट छोट बाय। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर, और 2 से 3 महीने वीकली टाइम फ्रेम है तो अगले 2 से 3 महीने का भी नज़रिया होना चाहिए। आवरली में आपका 1 से 2 वीक का, 2 से 3 वीक का, लगभग 1 महीने का कह सकते हैं, और डेली में। और आवरली की बात करें तो आप 1 हफ्ता। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX। IEX हमारे पोर्टफोलियो में भी है, BSE भी था हमारे पोर्टफोलियो में, लेकिन हमने अभी उसे सोइल कर दिया। हमारे पोर्टफोलियो में का ये जो स्टॉक है ये काफ़ी भाग रहा है, और ये अब देखिए RSI आपको क्या दिखाता है। RSI यदि 70-80 के ऊपर ही घूम रहा है, 70 से चला जाता है, 80-80 से हो जाता है, 70-60 आके फिर 70-80 पे पहुंच जाता है, मतलब प्राइस काफ़ी तेज बुलिश मोमेंटम में है और यहाँ से प्राइस का जो अपसाइड मोमेंटम होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन नए ट्रेडर उसको पकड़ नहीं पाते। उसके लिए उन्हें इचिमोकु क्लाउड का यूज़ करना चाहिए, उन्हें ये समझना चाहिए कि क्लाउड के ऊपर है प्राइस, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के ऊपर है तो प्राइस रॉकेट बन जाएगा। और जो आपको IEX में दिखाई दे रहा है 400 से भागने लगा स्टॉक, 450 हो गया, 500 हो गया, 550 हो गया और अब 600 टच कर दिया है उसने, इतना तेज मोमेंटम, बहुत ही तेज। और ऐसे स्टॉक जब भी क्लाउड के ऊपर हों तो उन्हें बेचना नहीं चाहिए, उनमें बाय कर लो आप किसी भी गिरावट में, लेकिन उसे बेचेंगे कब? जब वो रुकेंगे। जैसे ये स्टॉक अभी यहाँ पे क्लाउड के पास आके थोड़ा रुकेगा, उस समय आप अपना पोजीशन हल्की करें और फिर फ्रेश बाइंग करें, प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं। इंजीनियरिंग इंडिया तो एक भारत सरकार की कंपनी है, इसका चार्ट देखिए काफ़ी
गिरावट के बाद ये स्टॉक में तेज़ी आई थी अभी कुछ दिन पहले, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो यहाँ पर इसमें अभी आपको क्या लगता है कि इस सेटअप के हिसाब से बाय है या सेल है? इस सेटअप के हिसाब से इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, सेल आप कर सकते हैं कन्वर्जन लाइन का स्टॉप लॉस लेके, बाय अभी नहीं कर सकते इसको। टानला प्लेटफॉर्म्स, टानला प्लेटफॉर्म्स ये वो शेयर है जिसका मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आपकी आंखें आ जाएगी। 70-75 के रेट से ये ऐसा भागा कि बस इसको देखते ही रह गए, पकड़ ही नहीं पाया कोई भी, क्योंकि प्राइस इतना भाग गया, अब ओवरसोल्ड हो गया है, अब क्या लें, अब क्या लें, अब क्या लें, और अब भी ये लग रहा है अब क्या लें, बहुत बुरी तरह से भागा है। लेने का ये इसका सही समय है, इसको लें, गिरावट में और ख़रीदें, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी अपसाइड इसमें बनेगी। ये सही थे तेजस नेटवर्क, तेजस नेटवर्क सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर सर्किट टू सर्किट 200 से ये पहुंच गया 400 पे जाके रुका कुछ समय के लिए, सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग जो भी आई, और उसके बाद वापस सर्किट स्टार्ट हो गए इसमें, ना जाने कहां तक इसमें सर्किट लगेंगे। ले लिया है तो इन्जॉय करें, नहीं लिया है तो फिर वेट करें सर्किट ओपन होने का, उस दिन खरीद लेना इसको। ACE पर हम चर्चा करेंगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन इंडिया। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये बुलिश जोन में आने की कोशिश कर रहा है, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है, लेकिन अभी जो लेगिंग स्पैन है प्रीवियस प्राइस पे अटकी हुई है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ तो प्राइस में अच्छी मोमेंटम होगी जो प्राइस को 260-280 के लेवल तक लेकर जाएगी, अदरवाइज प्राइस फिर से फॉलिंग एक चौपी मार्केट में फंसा हुआ है, क्लाउड के बीच में फंसा हुआ है। तो ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप है इचिमोकु, क्लाउड, RSI और MACD का। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप अलग अलग जो इंडिकेटर होते हैं सबसे पहले MACD क्या होता है वो समझ लें, फिर RSI को समझ लें, और फिर इचिमोकु क्लाउड को समझ लें। तीनों को जब आप समझेंगे अलग अलग तो आपको ये कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी चार्ट, कोई भी इंडेक्स जिसके बारे में आपको ABC भी नहीं पता है, इस सेटअप को देखकर सीखकर आप ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जाने वाला है, बाय होगा या सेल होगा। जैसे ये बॉश का चार्ट है, काफ़ी नामी गिरामी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसको देखकर क्या लगता है आपको? ये बुलिश जोन में आया है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बाय किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 14,500। ये आवरली टाइम फ्रेम पर, 1 से 2 दिन 4 दिन की डेली टाइम फ्रेम पर देखें आप, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट में क्लाउड के नीचे हैं लेकिन कन्वर्जन लाइन को तोड़ के ऊपर चला चुका है प्राइस, RSI अपसाइड मोमेंटम में है, तो यहाँ से भी इसको बाई किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 14,500। 14,500 पे यदि प्राइस रिजेक्ट होता है तो वापस नीचे आएगा, नहीं तो ये फर्दर 15,000 की तरफ निकल जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर देख लें इसको, मध्यम से लंबी अवधि के लिए प्राइस में जो गिरावट आई थी उसे लगातार तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो इस तरह से हमारे ट्रेडिंग सेटअप का हम यूज़ करते हैं। इसके द्वारा आप सेक्टर वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे आपको देखना है कि निफ्टी कमोडिटी में क्या पोजीशन है, तो कमोडिटी इंडेक्स को देख लें। कमोडिटी इंडेक्स को आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम पर कमोडिटी इंडेक्स बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पर आप इसे देखेंगे तो भी ये बुलिश जोन में है और ओवरसोल्ड जोन के पास में है, ठीक है। और हावरली टाइम फ्रेम पर आप इसे देखेंगे तो ये भी बुलिश जोन में दिखा रहा है, मतलब कमोडिटी के जो भी शेयर हैं उनमें तेजी बनी हुई है। कमोडिटी के बाद बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर का, देख लें। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत तेजी दिखाई देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक हावरली टाइम फ्रेम पर एक करेक्शन हुआ है, एक राउंडिंग पैटर्न बनने की तैयारी कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये राउंडिंग बॉटम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है फॉर प्रीवियस अपसाइड के हिसाब से। आरएसआई ओवरसोल्ड है तो यहाँ पर एक आध करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। करेक्शन तो हो चुका है, अब करेक्शन के बाद अपसाइड बनी है। पिछले 3 दिनों के करेक्शन के बाद अपसाइड बनी है, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन और आप ने कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे USD INR का हम चार्ट देखते हैं, USD INR आपको दिख रहा है ये डेली टाइम फ्रेम पर है। अब इसके हिसाब से क्या प्रडिक्शन करेंगे, आप क्या ट्रेड लेंगे कल के लिए, कल के लिए आप। लेकिन यहाँ से तो ये बुलिश जोन में RSI 40 के ऊपर है, लेकिन स्विंग नीचे की तरफ है, क्लाउड के नीचे है, तो यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है और सेल भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ उसे सेल करें। आवर्ली टाइम फ्रेम पर आप देखें इसको, आवर्ली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस क्लाउड के नीचे है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेटअप है इचिमोकु क्लाउड MACD और RSI का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे आपको इससे। देखिए ये जो निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का टाइम फ्रेम पर हम दिखाते हैं, क्लाउड के ऊपर यदि प्राइस है तो आप बाई करके रख सकते हैं, बाई करके लेके भी जा सकते हैं, लेकिन क्लाउड के नीचे है तो आप उसे सेल करके रख सकते हैं, सेल लेके भी जा सकते हैं। लेकिन प्राइस चौपी है, मान लो क्लाउड के ऊपर जा रहा है वापस नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो फिर आपको इंट्राडे में दोनों तरफ के ट्रेड करने चाहिए, बाय और फिर RSI का ज़्यादा काम बन जाता है। ओवरसोल्ड पे आ गया RSI तो उसे बाय कर लें, आपको एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ मिल जाएगी, और ओवरबॉट पे अगर मिल गया आपको तो बाय कर सेल कर दें, एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम आपको मिल जाएगा। जी कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है, जब प्राइस यहाँ पर है यहाँ कहीं तो आपको बाय करना है, और प्राइस यहाँ पर है तो सेल करना है, सेल दिस लेवल बाय, ये बाइंग के लेवल है, ये एक चौपी मार्केट है। लेकिन यदि एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है तो ट्रेंडिंग मार्केट में एक साइड की ही ट्रेड ढूंढनी चाहिए। यदि क्लाउड के ऊपर मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपको बाई साइड की ट्रेंड ढूंढनी चाहिए ट्रेड, जब RSI थोड़ा सा कोला हो उस समय आप बाई करें,
आपको अच्छा प्राइस, अच्छा पैसा देकर जाएगा। शेयर मार्केट में अलग अलग ट्रेड सेटअप आपको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही ट्रेडिंग सेटअप को समझना है, सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। वो आपको यदि उसमें आपने मास्टरी कर ली, लाइव मार्केट में आप उसे सीख गए, प्रिडिक्ट करना, देखना किस तरह से एनालिसिस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा पैसा आप बना सकते हो। वो सेटअप आपको फिर फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करना बता देता है कि किस तरह से फ्यूचर का चार्ट बनेगा, फ्यूचर में प्राइस किस तरह से मोमेंटम करेगा। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये इंडिकेटर भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लियर प्राइस से ही समझ में आ जाता है कि कहाँ जाएगा, उसका प्रीवियस सपोर्ट क्या है, प्रीवियस रेजिस्टेंस क्या है, ये चीज़ें आपको ऐसे ही समझ में आने लगती है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको इंडिकेटर की मदद लेनी ही पड़ेगी, बगैर उसके आप नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट गिर गया है तो कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, ये आपको इंडिकेटर से अच्छे से पता चल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें पता चला होगा कि किस तरह से MACD काम करता है, RSI काम करता है और क्लाउड काम करता है। इसमें हमने RSI का ज़्यादा यूज़, MACD का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन MACD की भी इसमें अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसमें हमने ज़्यादातर क्लाउड की और RSI की चर्चा की है। क्लाउड और RSI की मदद से आप बहुत ही बढ़िया ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। धन्यवाद।